सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज जो वीडियो है, आज हम ऐसी बात करने वाले हैं जो आपको सुन के थोड़ा सा बड़ा अजीब लगेगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी की जिसके लिए मतलब लोग बहुत दीवाने रहते हैं, और मतलब हर एक की जगह पे ये रहता है, हर एक को लगता है कि ये गाड़ी मैं ख़रीद लूँ, और जिसकी रेंज है लगभग 15 से 18 लाख के बीच में। दूसरी गाड़ी जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं जो गाड़ी 1 लाख से स्टार्ट हुई थी और लोगों ने क्या क्या नहीं बोला उस गाड़ी के बारे में। जी हाँ, नैनो की बात कर रहे हैं, और उसके बारे में लोगों ने बहुत कुछ बोला है कि भाई बेकार गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब है, और ये सब चीज़ें सुनने को मिलती थी। गरीबों की गाड़ी जो कि सोच के बनाई गई थी कि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गाड़ी सूट बैठती है, तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। एक थार का एक्सीडेंट हुआ है नैनो से, तो उसकी बात करने वाले हैं जिसमें क्या थार पलट गई है और नैनो ने पलट दिया है। तो बात करते हैं पूरी, क्या है, कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है। तो ये जो घटना है ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, और पद्मनाभपुर के मिनी स्टेडियम चौराहे के पास की ये घटना है, जहाँ पर एक थार सीधी जा रही थी और काफ़ी स्पीड में थी वो थार, तो उसको जो हिट किया है लेफ्ट साइड से, एक टाटा नैनो ने हिट कर दिया, और हिट करने के बाद में वो थार जो है पूरी पलट गई। अब सोचने वाली बात है, नैनो को अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखोगे सामने से, तो किस तरह की आपको पता चल रहा है जो उसमें डैमेज हुआ है, फ्रंट में उसके डैमेज हुआ है क्योंकि उसने सामने से हिट किया था। अब थार उल्टी पड़ी हुई है लेकिन उसका लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड में कितना डैमेज हुआ है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, पर हाँ थार पलट गई, मतलब एक ये बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात है। एक लख टकिया गाड़ी, जिसको लख टकिया बोल के लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है उस गाड़ी के बारे में, उसने एक वो गाड़ी पलट दी जिसके लोग दीवाने रहते हैं। 17-18 लाख की रेंज में वो गाड़ी आती है थार। तो इस एक्सीडेंट के बाद में आप पता कर सकते हो, देख सकते हो सामने से फ्रंट से नैनो की बिल्ड क्वालिटी किस तरह की थी। तो इससे पहले ना और भी बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट आए हैं नैनो के सुनने में, जिसमें क्या नैनो का डैमेज जो बहुत कम हुआ है और नैनो को कुछ नहीं हुआ, बाकी दूसरी गाड़ी में काफ़ी डैमेज हुए हैं। तो बिल्ड क्वालिटी तो हमें पता चल जाती है भाई, चाहे वो 1 लाख की गाड़ी थी मगर किस तरह की बिल्ड क्वालिटी उसमें मिल रही थी वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो नैनो एक ना बहुत प्रैक्टिकल कार थी, बट वो अभी बंद हो चुकी है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए आप बोल सकते हो। और सच में मतलब उसको चलाने में भी बहुत मज़ा आता था, मैंने तो खुद रखी है तो इसलिए मुझे पता है उसकी अंदर क्या चीज़ थी, कितना स्पेस था, वो सारी चीज़ें। हाँ, उसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस की ज़रूरत थी अगर उसको बंद नहीं किया जाता, और थोड़े बहुत चेंजेस करके टाटा मोटर्स उसको आगे तीर कंटिन्यू रखती अगर उसको, तो सच में वो बहुत लोगों की ड्रीम कार बनने वाली थी। तो इस वीडियो से हमें पता चल जाता है कि भाई नैनो की बिल्ड क्वालिटी भी कैसी है और पावर वगैरह सब चीज़ पता चल जाता है। खैर, थार के सामने नैनो कुछ भी नहीं है, फिर भी थार पलट गई वहाँ पे। तो यहाँ पे जो उसका पलटने का रीज़न है वो उसकी एक ग्राउंड क्लियरेंस का भी रीज़न है, जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है जिस वजह से वो जल्दी पलट गई। खैर, जो भी है, अगर आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो है या कुछ भी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो मैं उसको आगे शेयर कर सकता हूँ। होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।